हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बात कुरुक्षेत्र की, जहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल वैन की गांव से स्कूल वैन गुजर रही थी। इसी दौरान स्कूल वैन में बैठे बच्चे ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाल रखी थी। विपरीत दिशा से आ रही ट्रॉली की टक्कर से बच्ची की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही बच्चे के परिवार वाले और पुलिस अस्पताल में पहुंचे। आपको बता दें कि बच्चा सिर्फ केजी का छात्र था। फिलहाल गाँव के सरपंच और परिजन घटना की गहनता से जाँच कराने की मांग कर रहे हैं। बच्चा 12वां गाँव का और सवेरे स्कूल में आ रहा था। ये सोम कन्वेंट स्कूल है, ये बैरागी धर्मशाला के अंदर। तो वहाँ पे स्कूल बस में आ रहा था, अकेला ही बच्चा बता रहे हैं, स्कूल में बस में वो स्कूल बस में अकेला बच्चा था। तो उसका किसी मोटरसाइकिल ना ट्रैक्टर है जो निकल रहा था, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया और सिर बाहर निकाले हुए था ये बच्चा, जिसमें सिर में चोट आई जो एक्सपायर हो गया, जिसको डेड हाउस पर लेकर आए हैं। अभी आगे कार्रवाई नहीं, अटेंडेंट नहीं था बस में, ड्राइवर था। फिर तो सुना आपने चौकी इंचार्ज को कैसे ये पूरी घटना हुई, उसकी जानकारी उन्होंने दी। और सबसे ज्यादा लापरवाही ये बरती गई कि उस वैन में सिर्फ स्कूल का जो ड्राइवर था वो था, जो अटेंडेंट होना चाहिए कैब का वो कैब अटेंडेंट उसमें मिस था, यानी कि उसको उसमें नहीं रखा गया था। और इस वजह से एक छोटा मासूम बच्चा, जिसको ये समझ नहीं थी कि उसे अपनी गर्दन बाहर रखनी है नहीं रखनी, उसने गलती से वो चीज की और उसका खामियाजा उसको अपनी जिंदगी गवाह कर देना पड़ा। भरत सावरी हमारे साथ हैं। भरत, अब तक क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में आ रही है? देखिए, ये बिल्कुल सुबह की घटना है और शाम होते होते पुलिस ने जो है स्कूल के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है और लापरवाही से माना भी जा रहा है, बड़ी लापरवाही है। देखिए, एक स्कूल वैन की तरफ सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन है कि अगर आप एक वैन स्कूल वैन में बच्चे को लेकर जाते हैं तो उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा होना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात जो है कि उसके अंदर एक अटेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और दोनों ही जो चीजें थी वो इस बस से गायब थी। अगर अटेंडेंट इस बस के अंदर होता तो इस मासूम बच्चे की जिंदगी जो थी वो बच सकती थी। भरत, क्योंकि ट्रॉली गलत दिशा में आ रही थी और ट्रॉली की बड़ी लापरवाही रही, उस ट्रॉली चालक के खिलाफ अभी तक कुछ हुआ? देखिए, अब तक उस ट्रॉली चालक का कोई पता नहीं चला है। और दूसरी बात जो है कि परिजन इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ट्रॉली से टक्कर हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि देखिए अभी तक पुलिस जो है ना ही तो उस ट्रॉली चालक ट्रैक्टर चालक को ढूंढ पाई है। सिर्फ ड्राइवर ये बयान दे रहा है कि एक गलत दिशा से एक ट्रॉली आई थी और वो ट्रॉली जो है गाड़ी से टकराई, पर मौके पर अब तक ना ही तो कोई ट्रॉली मिली है और ना ही कोई ट्रैक्टर का चालक मिला है। तो और जो बच्चे के परिजन है वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ड्राइवर जो है वो गलत बात कह के बार बार जो तफ्तीश है उसको गुमराह कर रहा है, पर पुलिस जो है अभी इसी एंगल को लेके जांच कर रही है। बाकी पुलिस ने कहा है कि आने वाले समय में जांच होगी और जांच के बाद इस मामले का खुलासा होगा। जांच का विषय पूरा का पूरा। बेहद शुक्रिया आपका भरत, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।